हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप आए हो सिंपल स्वीट किचन में, आपका स्वागत है। आज हम बनाने जाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई जो चटपट बनके रेडी हो जाती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, एक बार ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी पे क्लिक जरूर करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी, ये देसी घी है। और मिठाई के लिए देसी घी लेना चाहिए, ज़्यादातर मिठाई घी में ही अच्छी लगती है। अगर नहीं खाते हो तो डालडा ले ले। 1 कप मैदा लिया है, इन दोनों को सेकेंगे, लो फ्लेम पे सिकते रहेंगे चलाते हुए जब तक अच्छे से खुशबू आने लगे। तो मैं बताती रहूँगी कि किस तरीके से सिकना है और कितना सिकना है। 2 मिनट हो चुकी है और काफ़ी हद तक ये भुन चुका है और देख सकते हो कलर इसका चेंज होने लगा है। और इससे ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है इसमें, तो इसे इसी तरह से चलाते हुए सिकेंगे। करीब 4 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से खुशबू इसमें आने लगी है, तो ये सिक गया है पूरी तरह से। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं सिकना है, आपका जितना आटा होगा उतनी देर लगेगी। ये कम आटा है तो बहुत जल्दी भुन गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे, कुछ सेकंड इस तरह चलाते रहेंगे इसे कि नीचे से जल ना जाए आटा। एक पैन लिया है, 3/4 कप चीनी लेंगे, उसी कप से ले रही हूँ, 1/2 कप पानी डालेंगे। 3/4 कप चीनी है तो 1/2 कप पानी लिया है और 1 कप मैदा है हमारा। 2 इलायची पाउडर डालेंगे, इसे चाशनी बनानी है हमें, तो चीनी को पहले मेल्ट होने देंगे, फिर बताते हैं कैसे चाशनी लेनी है इसकी। चाशनी को एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ी सी चाशनी लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब चाशनी को चेक करेंगे, देख सकते हो इस तरीके से तार बन रहा है, ज़्यादा तार हमें नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मिठाई है ना सख्त हो जाएगी। जो हमारा मैदा सेका हुआ है इसमें डालेंगे, चलाएंगे इसे, चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से, लम्स ना रहे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है, न्यू मिठाई है, एक बार जरूर आप बनाना। एक बार बनाओगे तो बार बार बना के खाना पसंद करोगे, इतनी टेस्टी बनती है। और गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हो ये गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इनमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। गैस बंद करके इसे चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते हुए देख सकते हो डो की तरह बनने लगा है। तो इसी तरह चलाएंगे 1-2 मिनट और इसी पे बंद गैस में। ये मैंने चॉपिंग बोर्ड पे एक पन्नी ली है, जो नॉर्मल पन्नी है जो सूट वगैरह साड़ी में आती है, उसे साफ करके ले सकते हो, बटर पेपर ले सकते हो। घी लगा लिया हल्का सा, जो हमारा एक है मिक्सर, इसे लेंगे। और ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है आपको, हल्का सा गर्म है अभी, तो इसे गोले की तरह बना के फिर बेल लूँगी। इसे मैंने हाथों से फैला दिया है, थोड़ा सा बेलन से बेल लेंगे। बिना पनी के भी बेल सकते हो आप। तो इसे मैंने बेल लिया है, देख सकते हो इतना मोटा रखा है मैंने। 5 मिनट इसे ठंडा कर लिया है, 1 ग्लास लिया है, आप कटर या कटोरी छोटी सी ले सकते हो। इसे मैं पीसेस करूंगी, तो वैसे चक्कू से भी चौरस में भी कटिंग कर सकते हो। इसे हम निकाल लेंगे पीस को, देख सकते हो कितने अच्छे से बन गया, वो बहुत जल्दी सेट होती है। तो सारे पीसेस निकाल लेंगे और जो बचा हुआ है उन्हें फिर से बेल लेंगे। अभी भी हल्का गर्म है तो उसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है कि भी हमारा वेस्ट ना जाए। ये मैंने पीसेस सारे सेट कर लिए, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, देख सकते हो। इसमें मैं थोड़े से पिस्ता डालूंगी, चेरी लिए 1/2 पीस इसमें कर लिया है इसे सजाने के लिए। तो हमारी मिठाई रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है देख के पता चल रहा होगा आपको कि देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी।
लीजिए, हमारी मिठाई रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत जल्दी सेट हो जाती है, 15 से 20 मिनट में सेट हो जाती है। तो मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है, थोड़ी देर रहेगी तो और सेट हो जाएगी अच्छे से, लेकिन हमें वैसे ही रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और हार्ड भी नहीं होती है, लंबे समय तक आप इसे रख सकते हो। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और घंटी पे क्लिक जरूर करें लेटेस्ट वीडियो के लिए, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अब हम मिलेंगे आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।